मुन्ना घुंघरू दब रहा है बेटा, और जरा सा ओपन करो, नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। अपन का नाच तो बनारस वाला है, मंदिरों वाला शुद्ध, इसमें घुंघरू की ध्वनि बिल्कुल चाहिए इंस्ट्रूमेंट की तरह। और दो बेटा जरा, अच्छा रखना जरा घुंघरू है, जैसे पहले रखा था उससे भी जरा ऊंचा है। The next item will be by Guru Jitendra Maharaj ji. Who has been promoting the rich Indian dance heritage all over this country and abroad. His versatility has a dual aspect of melodic grace and rhythmic grandeur. With gifted improvising quality, his repertoire ranges from ancient Sanskrit shalokas, Ashtapadi, bhajans to sequences from Ramayana and the Mahabharata. He now presents before you Alankar, or the decoration in this number. Jitendra Maharaj will give a musical expression to the rhythm and thus decorate the teen taal, starting from vilambit laya or a slow tempo to drut laya, fast tempo, portraying various attractive and graceful movements. Guruji is widely known for clarity, accuracy and perfection. Cutting of nritya bowls from the ankle bells building to its climax is the speciality of the Varanasi Gharana. Alankar. Thank you.
जननी पुरुष कितना ही बड़ा हो जाए, जननी हमेशा मान रहेगी। क्यों? जननी जननी है। कई रूपों में हम उनको देखते हैं, दुर्गा हैं तो कहीं सरस्वती हैं तो कहीं लक्ष्मी हैं, तो चौथा रूप बहुत अनिवार्य है, लोग बहुत गलत कहते हैं बहुत देवियां हैं, बस एक चौथी और है, वो गृहिणी है। महामहिम आदरणीय निर्मला देवी जी ने जब मेरी शिष्या नल्ली कमल्ली उनसे मिलने गई, कोई निश्चित नहीं था, कितनी उदार हैं, हम लोग बीच में पड़े हैं, वो मुझे इसलिए भी कहना पड़ा, उदारता तो आप देख ही रहे हैं, अगर आप ना होते तो ये ना होती, तो इनकी उदारता से आप लोग हैं और हम प्रेम भक्त से इनके प्रति संपर्क थे। तो टाइम कम है, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, देखिए जो विद्वान होता है वो हर रुख को जानता है, भारत में एक बड़ी भारी मिसाल है, या तो चौमुखा या बिल्कुल बेकार। ऐसे ही गाने बजाने में भी है, चौमुखा है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बिल्कुल बेकार। तो कहने लगी 3-4 घंटे से कम क्या कथक नाच होगा, लेकिन हम 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं, इसलिए मैं मध्य लय से, आप विश्वास करिए कि 1.5 घंटे 2 घंटे तक मध्य लय, अगर आप कहें तो 2 बजे तक मध्य लय विलंबित सॉरी, और मध्य शुरू कर दी क्योंकि टाइम कम है। एक विशेषता है, आपने देखा होगा कितनी बड़ी विशेषता थी जो लुप्त होती जा रही है, कि हम आपके सामने नाच रहे हैं, मुंह से बोल नहीं रहे, और देखिए घुंघरू क्या क्या बात अदा कर रहा है। ये कथक था भाई, प्राचीन परंपराओं में बंधे रहो, कहते तो बहुत हैं कि प्राचीन संस्कृति के धरोहर हैं, लेकिन किस तरीके से हैं भाई, पूरे 50 वर्ष हो गए तब कहीं नाम भी नहीं है, लोग कहते हैं आप बड़े भारी विद्वान हैं, पता नहीं कैसी कृपा हुई कि सामने भी आ गए आपके हम। धा दिन दिन ना ना दिन ना ना दिन, अंदाज हो बोल का, दिन ना ना दिन ना। अब पढ़ंत और साहित्य और बोल, उससे पहले तो मैं कह चुका हूं कि घुंघरू की भाषा क्या होती है, वो तो थोड़ी देर दी मैंने आपको। दिन ना ना दिन ना तथे इदिगे दिगे दिगे थे तथे दिगे 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 थे सीधा दिगे 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 थे तथे दिगे 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 थे ता गर गर दिगे ता गर गर दिगे ता गर गर दिगे ता तथे इदिगे दिगे दिगे थे इ तथे दिगे 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 थे सीधा दिगे 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 थे तथे गर गर दिगे ता गर गर दिगे ता गर गर दिगे ता गर गर दिगे ता तथे इदिगे दिगे दिगे थे और कहां तक बढ़ रहा है वो तो आपने देख लिया, तो प्रस्तुत है अब यही तबले से और यही पैरों से। स्वरूप है और नृत्य साहित्य में ऐसा पद दुर्लभ है।
ना देने दे ना ना देने दे ना गुंगरु घनन घनश्याम कन्हैया सकल कवि कह भाचत पर धंधु नाचत कन्हैया शंख चक्र धर गदा पद उधर मुख मुरली धर पीतांबर धर अदर गवर धर शशधर कर धर जतन रखैया बिजली का बाण कमर धर लोचन घनन 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 घन धति धा धति धा धति धा घनन घन घनन घन धति धा धति धा धति धा घनन घन 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 धति धा धति धा धति धा छोटा कृष्ण और बड़ा कृष्ण लेकिन नीतिज्ञ कृष्ण नहीं, आप देखिए दोनों का एहसास हो जाएगा इसमें। जरा घुंघरू और तबला और दे दो थोड़ा। सवाल जवाब
दुर्गा विराजित और दुर्गा का पांव। अतिशयोक्ति नहीं, जो पांव में जा रहा हूं वो हमारे शास्त्र में वर्णित है, देखने को सुनने को नहीं मिलता। हमने तो कुछ पैर लागे हैं उसके, तो है देखिए राग दुर्गा, माँ दुर्गा, पैर दुर्गा।
The next item is Shuddh, Shuddh Nritya. In various Shastras, we come across the description of Yugal Nritya, in which the Apsaras used to dance in the Indra Sabha with great perfection. Similarly, Nalini Kamalini are widely acclaimed as celestial dancing duo famous for unimaginable harmonized presentation. The pure dance number is set to Rag Kirwani in Jhaptal, composition of Prastuti Karan, Tode, Tukde, Ladi, Tihai, is marked by neatly rendered rhythmic patterns, starting from Vilambit Laya, slow tempo, to Drut Laya, fast tempo, portraying various attractive and graceful movements and mudras through various parts of the body. Shuddh Nritya. जैसा कि भारतीयों को एक एक जन को विदित है कि उर्वशी रंभा मैनिका जैसी निर्द आंगनाएं अप्सराएं हमारे पृथ्वी पर और आंतरिक अंतराल आंतरिक में विराजित हैं। आज वही बात एक और विशेष बात है। देखिए, देवी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि गुरु तो सभी बन जाते हैं, लेकिन गुरु का पद जब वो स्वयं रखवाला होता है तभी गुरु बन सकता है। मैंने जो नाचा उससे बिल्कुल भिन्न, अर्थात कोई मेरा पांव आपको नलनी कमलनी नहीं सुनाएंगे, ये कहना अनिवार्य था। और प्रयत्न इस बात का रहेगा कि मात्रा 10 जरूर है, लेकिन 10 में सबसे पहले चलिए 20, 20 से आइए 10, 10 से आइए 5, 5 से आइए 2.5 और उसके बाद 1.25, यहां तक की बात होगी। और 10 में 12, 14, 16 तो ऐसे हैं जैसे बचपना, जवानी और बुढ़ापा। मुश्किल बात है 10 मात्रा में ऐसे खेलना। और प्रमाणित रूप में, क्योंकि एक उद्गार होता है, मैंने पहले कहा था माता जी के आने से पहले कि कलाकार वो जो अपनी छवि ना रखकर उसकी छवि को रखे जो वो कर रहा है, अर्थात भैरवी बजा रहे हैं, अगर भैरवी नहीं आई बहुत अच्छा बजाते हैं तो कोई लाभ नहीं, नाच रहे हैं ताल लय नहीं बनी तो कोई फायदा नहीं। तो प्रस्तुत है वो छवि के माता की छवि और उनके सामने आ रही हैं उर्वशी रंभा नलनी और कमलनी।
जीना जीना संस्कृति एक दर्पण है, लेकिन साहब ये बात गलत है कि हर एक कोई झांक ले उसमें, हर एक कोई निर्मला देवी नहीं बन सकता, या गलत है या सही है। तो ये नाच तो बड़ी धरोधर है, आप सोचिए 50 वर्ष हमको हो गए और ये तो लुप्त हो चुकी थी मंदिर की कला। अब तो पांव रहा नहीं, छंद नहीं रहा, बोल नहीं रहा, कटाव नहीं रहा, मुद्रा नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। अब क्या नाच है तो आप भी जानते हैं, गुरु है इसलिए कह सकते हैं। अंदाज हो देखिए इसका, कहने का मतलब साफ साफ उर्वशी रंभा सामने अलग होती हैं जैसे बिजली और मिलती ऐसे हैं जैसे बादल और बरसती ऐसे हैं जैसे वर्षा। क्या बात है, नलनी कमलनी बात है। जरा देखिए झपताल में दादे का छंद है, दीना दी दीना यहाँ रखो खासा दी दीना दीना दी दीना क्या कहते हैं, अर्थात बोल की तराश। और मजा इस बात का है कि जिस बोल को कहेंगे कम से कम 5 मिनट तक कहते रहेंगे। अंदाज देखिए जरा, कहना आसान है करना मुश्किल है, जरा सोचिए। और विभिन्न विभिन्न बातें हैं इसमें। हाँ माता जी जरा देखिएगा, दीना दीना। हाँ जी उर्वशी क्या बात है, रोक क्या बेटा, चाची की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात करिए, क्या नाचेंगे। हाँ दीना हे दे आओ बेटा, बिजली और बादल अंदाज हो ta 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 ta
जैसी बात कह दें वैसे ही हो जाए। ना अधे ना। देखे साहब बिजली की चमक देखिएगा और छपताल में क्या लय बनती है। विद्वानों के लिए लय है और दर्शकों के लिए चमक है। बीच पकड़ो बेटा, बीच में पकड़ो। एक बड़ी मजेदार बात है इसी में, देखिए कहना पांच मिनट तक बढ़ते रहेंगे। जरा अंदाज देखिए क्या लय बरती है। रखा भैया बहुत साफ, बहुत साफ बजा। धीना ने कहा कि पौनी ले अर्थात 10 में 14 मुश्किल बात है। जरा देखिए अंदाज कैसा है, जैसे सिंह पद दुर्गा। धी धी ना धी ना धी धी ना धी 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 ना धी 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 ना धी ना धी ना धी ना धी ना रंबा भी ना कहा जाए, कुछ और ही कहा जाए। दे दे ना कम सुनाओ है। दे 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 ना दे दे में कंठमाला माँ के ना हो तो मुझे बताओ वो माँ ही क्या हुई। सुना गला रहेगा उसका। तो देखिए तोड़ा, गले का तोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे नलनी कमलनी ने तोड़ा डाला है और माता जी ने उसको नजर दी है। और वो नजर सुनिए निर्मला देवी के लिए तोड़ा। हे नाग हे हे ना थी क्या बात है। ना 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 अंदाज करिए। दो बोल मुख हैं। पहला बोल लोग कहते हैं लय क्या है। अब जरा थोड़ा प्रेमियों के लिए बात है। लय वो है जो भाई कुदरतन बने और दूर से चलती हुई दिखाई दे। जो चलती हुई लय ना दिखाई दी तो सोचो वो शब है।
शिव तो जब है जब चलता हुआ नजर आए। तो लय की परिभाषा विद्वानों ने यह कही है कि साक्षात प्रकृति है, अगर प्रकृति नजर नहीं आ रही है तो वो लय नहीं है। तो देखिए क्या लय बनती है, जरा उसका अंदाज आपको हो जाएगा, क्योंकि हमें कहने की जरूरत नहीं, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन क्या मजा इस बात का कि लय चले ना। धी धी ना दे, 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 ना धा की टै धी की टै धा की टै धी की टै धी टै धी टै कथा धी टै धा की टै धी की टै धा की टै धी की टै धी टै धी कथा धी टै 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 धी टै
भाषा थी सवाल जवाब की, झप ताल में तीन ताल, खत्म मत करिएगा। अंदाज़ हो आज हमारे देश के लिए एकता की बड़ी आवश्यकता है, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो राजनीति की हो, चाहे वो समाज की हो और चाहे वो संस्कृति की हो। 10 मिनट हम अपने घुंघरुओं से एकता के स्वर, तीनों मैं, कमलनी और नलनी, एकता के स्वर। भैया बड़ी कृपा की है आपने हमारे ऊपर, कोई शक नहीं, लेकिन अब ये तीनों माइक एक से रखो। अच्छा जो हमारे घुंघरू वाले हैं ना, एक कम बोल रहा है उसमें। अच्छा प्लीज
कमलनी और देखने में बड़ी पर छोटी नरनी, गुरु का यह कर्तव्य नहीं है लेकिन क्यों कि शिष्य हमेशा आदरणीय होता है। अगर ऐसा ना होता तो एकलव्य कभी नहीं पहचाना जाता। देखिए आदरणीय शब्द जोड़ा है, बड़े साहित्यकार बैठे हैं, मजा लीजिए जरा। आदरणीय क्यों कहा है? अरे शिष्य नहीं होगा तो गुरु कहां से बनोगे? अर्थात शक्ति नहीं होगी तो आप लोग कैसे बैठे होते? सब दिल खोए, दिल खोए, कुछ भी हो जाए पीछे कोई चिंता नहीं, क्योंकि माँ निर्मला देवी के अंदर वो शक्ति है कि आ रहे हैं अख्तर हसन। क्या उंगली बजाई है इन्होंने, वैसे कभी बजाते नहीं, इतना अच्छा ये, इसलिए तारीफ करिए इनका, जोर से ताली लगाइए। और साहब संजय जी के तो कहने ही क्या है, इन्होंने तो माँ के लिए दाढ़ी उड़ी सब रख रखी है। संजय विद्यार्थी हैं ये, लेकिन फन में मालिक हैं अपनी जगह। देखने में बालिश भर के हैं लेकिन गज तो ऐसा घुमाते हैं इंटरनेशनल। अफजाल जहूर वायलिनिस्ट, क्षमा कीजिएगा मैं अपने अंतिम जब विदा लेता हूं तो एक बात कहता हूं कि कलाकार जब व्यक्तिगत अपने को पोज करता है गलत है, क्योंकि कला उसकी धरोधर है और धरोधर आपकी है, हम आपके नौकर हैं, इसको हमने पाल रखा है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, अगर कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। जितेंद्र महाराज को विदा दीजिए, कभी अवसर प्राप्त हुआ तो फिर हम और आप घुंघरू और निर्मला देवी महा माया देवी का साथ होगा, आनंद प्राप्त होगा। प्रणाम जितेंद्र महाराज का। The name of the rag which I'll play is Rageshwari. With me on the tabla is Shri Somnath Mukherjee. Oh,
Thank you.
Thank you.
This cycle is of 9 beats. I'll play a little bit. Thank you.
going to perform tomorrow. Thank you, Pratik. The rich tradition of the father is ensured by Pratik's performance. Like his father, we are also very proud of him. Thank you. And the ever versatile Mr. Modak on the tabla. On the tanpura is Kishore Desai. And that little personality there on the manjari is Rohidas. Mm-hmm.
गुणयन की सेवा कर ये सूरज Da 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 da
सागर नी नाम आहे धनकोनी कल्याण धनकोनी कल्याण धनकोनी कल्याण सोरा Oh.
Ga ma ga re ga ru ra ga 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 ga
Ma pa ma ga ma ma ga re ra ga ma pa ni ta
कच काम काम Ah